बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन मेरी वीडियो कंटिन्यू आ रही थी। और थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि बच्चों की तबीयत ही ठीक नहीं थी और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि व्लॉग वगैरह बनाऊँ, घर या फैमिली व्लॉग बनाऊँ, कुछ दिखाऊँ बच्चों को। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने आज कहा आज मैं व्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि मैंने आज जो है, आपको पता होगा जैसे कि आज इलेक्शन का दिन है पाकिस्तान में, और भाई मैंने भी वोट दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने वोट दिया है। और वोट देने का एक्सपीरियंस तो ये था कि भाई क्योंकि पोलिंग स्टेशन मेरे घर के करीब था, जो मेरा जो बड़ा था तो घर के करीब था। बस समझ लें कि नीचे मैं आपको पता है कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, नीचे उतरना है और बस सामने ही जो है वो मेरा था, थोड़ा सा वॉक करके, 2 से 3 मिनट की वॉक करके मेरा पोलिंग स्टेशन था। तो मैं वहाँ गई, तो ये तो हो गया कि आने जाने में मुझे कोई मसला नहीं हुआ। हुआ ये कि मैं सुबह उठे थे, हमने कहा कि सुबह ही हम लोग देर कर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं 8 बजे हम लोग। सो फिर ये हो कि वहाँ पर जो है ना स्टाफ नहीं आया हुआ था, हमने काफ़ी देर वेट किया, 1.5 घंटा तो वेट किया। फिर मैं जो है ना आ गई थी और हस्बैंड थे वहीं पर ही, तो वो वेट कर रहे थे अपना। फिर मैंने जो है घर आ गई, घर आके मैंने वही सारे काम वाम किए, बच्चे बच्चे उठे। उसके बाद जो है ना फिर मैं 12:30 बजे फिर गई थी, तो 12:30 बजे मैं फिर गई हूँ तो मुझे 2:30 बज गए। क्यों बज गए? क्योंकि रश तो इतना ज़्यादा नहीं था, लाइनें नहीं थी, लेकिन जो है ना मसला ये था कि आपको पता है कि वो जो एक नंबर होता है, नंबर पे अपना NIC भेजो, फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि सिलसिला नंबर और शुमारियाती नंबर वगैरह जो सारी डिटेल आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप या तो अपने पास लिख के लेके जाएँ। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था तो मुझे सारी नई चीज़ें नहीं पता थी, अब मुझे पता चल गई, पड़ोस वालों ने बताया कि वो अपने पास ख़ुद लिख के लेके जाए। तो हमें तो ये कहा गया था वो कैम्प वैम लगे वहाँ जाएँ, तो हम कैम्प गए थे, मेरे हस्बैंड भी थे, तो उन्होंने जो है ना स्लिप, एक स्लिप सी होती है, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, देख कर ना अपने पास से देख के लिखी मोबाइल से ही। तो हुआ ये कि वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है ना मेरी गलत लिखी, सिर्फ मेरा नाम सही था, बाकी सारी चीज़ें जो है मेरी उन्होंने गलत लिखी। और जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मुझे इधर भेज रहे, वो मुझे इधर भेज रहे कि इस बिल्डिंग में जाएँ या इधर जाएँ, ये इधर इधर करके मुझे जो है ना इन्होंने या वेट करें। तो इन्होंने मुझे जो है ना इतनी देर लगा दी, जब जाके मैंने शोर किया भाई मुझे बता दें मैं कहाँ जाऊँ, वहाँ भेज जाऊँ, वहाँ जा रही हूँ तो वो मुझे यहाँ भेज रहे हैं, तो आखिर जाना कहाँ है भाई मुझे बता दें। थोड़ा सा मैंने शाउट किया, मैंने कहा फिर ना मैं क्या करूँ, मैं चली जाऊँ घर। तो अच्छा ये फिर जाके उन जो है ना देखा दोबारा से, तो जब देखा मोबाइल पर मैसेज किया NIC और खुद से जो है ना सारी चीज़ें मैंने निकाली, तो वो देखा सारी चीज़ें जो मेरी रॉन्ग थी। और ये चीज़ मेरे साथ ही नहीं बल्कि जो कुछ और लोग भी थे उनके साथ भी यही चीज़ हो रही थी। और कुछ तो जो है ना उन्होंने छोड़ के चले गए, भाई हमने डालना ही नहीं, कभी इधर भेज रहे इधर भेज रहे। आपको पता कि कराची में बारिश हुई है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में और कहीं और जगह बारिश हुई है, लेकिन कराची में बारिश हुई है। और आपको पता कि कराची की फिर हालत देखते होंगे आप न्यूज़ वगैरह की कैसी हो जाती है, सब जगह जो है ना पानी वानी भर जाता है। तो ये यहाँ पर ये सारे हालात हो रहे थे, उसके बावजूद जो है ना लोग वोट डालने गए थे और सारा पानी, गटर वटर का पानी उस वक्त था, सब कुछ खुदा हुआ था, हर चीज़ जो है ना ऐसी हो रही थी। फिर भी हम गए कि नहीं भी वोट डालना है, इतना वेट करने के बाद तो जो है आज इलेक्शन का डे आया है तो वोट डालना, और हस्बैंड ने कहा था वोट डालना है लाजमी। तो सामने था तो मैं इसलिए चला गई थी, उन्होंने कहा था चले आना तो 11-12 बजे तक, तो मैं 12:30 बजे गई थी अपने काम वाम सारे करके। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी देर रहेगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे आपको पता है इधर से उधर भगाना, और थकी भी मैं अलग थी, सुबह से उठी भी थी 5:30 बजे से। और फिर ये कि हमसा की तबीयत भी ठीक नहीं है, व्लॉग में इसलिए नहीं बना रही थी कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। अब माशाल्लाह सारे बच्चे तो ठीक हो गए हैं, लेकिन जो है ना हमसा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, कल भी लेके गई थी उसको डॉक्टर के पास, आज भी उसको लेके जाना है। इस वजह से जो है ना रात में उसको एकदम से खांसी होती है, तबीयत उसकी ठीक नहीं, ठंड वंड बैठ गई, क्योंकि कराची का मौसम ऐसे ही चल रहा है कि कभी जो है ठंडा होता है कभी गर्म होता है। गेट पे कोई आया, बच्चे जो है ना खेलने गए बाहर, तो बस वो आना जाना करते रहते हैं बाहर कॉरिडोर में खेलने गए। ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट डाला और ये सारा जो है सीन मेरे साथ हो गया, इसकी वजह से मैं इतनी थक गई हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी आंखें थक गई हैं बहुत ज़्यादा। और बस मैंने जो है ना थोड़ी देर लेटना चाह रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, शाम में मेरा भाई भी आएगा, पता नहीं वो मगरिब के बाद आएगा, तो भाई आएगा उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी जो है ना आज व्लॉगिंग कर ही देती हूँ, कि थोड़ा सा बता ही देती हूँ अपने बारे में कि क्या हुआ आज, क्या दिन क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट दिया, जो कि आपका हक है, आप इस हक को जो है ना इस्तेमाल करें, वोट दें, आपकी ज़िम्मेदारी है, जिसको आप चाहते हैं उसको वोट दें। तो
तो मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया इतने सालों बाद, मतलब सालों बाद क्या, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब मैं जाके वोट मैंने दिया है तो अच्छा लगा। लेकिन जो मेरे साथ ये सीन हुआ ना, इधर से उधर भागा उसने, मुझे बहुत थका दिया है। और मैं बस थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, तो उसके बाद फिर नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। और बस फिर दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करे, क्योंकि कल बड़ी रात भी थी, तो काफ़ी लोगों ने सबने ही दुआएं की होंगी कि पाकिस्तान के लिए सब अच्छा बेहतरी हो जाए। सो हमज़ा मुझे बुला रहा है मुसलसल, क्योंकि मुझे उसको सुला रहा है, मैं उसको दवा दे दी है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। अल्लाह हाफिज़।